सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सृष्टि सार्थक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहाँ लेकर जा रहा था तुम्हें? तुमने हमसे अगर कभी भी प्यार किया है, कभी भी हमें अपना माना है, तो उस प्यार की कसम है तुम्हें। बताओ हमें, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? वो अंगद हमें शहर से बाहर ले जा रहे हैं। सृष्टि, ये बात अंगद को पता होनी चाहिए। अगर हमने उन्हें भूल से भी ये बात बता दी, वो लोग उनकी माँ की जान ले लेंगे। सृष्टि, तुम्हें अंगद को बताना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम ये सब बाद में देखते हैं, तुम इस वक्त जाओ प्लीज, अगर वो आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सृष्टि, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साये की तरह। जब भी तुम हमें याद करोगी, हम तुम्हारे आस पास ही मिलेंगे। सृष्टि, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। सृष्टि, कोई था क्या यहाँ? मैंने दूर से देखा तुम बात कर रही थी किसी से। वो एक आदमी था, एड्रेस पूछ रहा था। बात इस हद तक बढ़ गई है कि सृष्टि अब बार बार झूठ बोलने लगी है मुझसे। वो टायर वाला 10 मिनट में आ जाएगा, थोड़ा काम में बिजी है। अंगद, हमें जहां भी ले जाना चाहते हैं हम खुशी खुशी चलेंगे, उसे एक शर्त है। उससे पहले एक आखिरी बार हम माँ से मिलना चाहते हैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? हम आपको आज सच्चाई बताने आए हैं। आपका जो भी फैसला होगा हमारी बात सुनने के बाद, हम वो खुशी खुशी मान लेंगे। मैम, आपको वो जयपुर वाला केस याद है? देख लिया अपनी आंखों से? Didn't I tell you before? ये लड़की ठीक ऐसे ही करेगी। सृष्टि हमें पसंद नहीं करती और इसीलिए अंगद को अपने परिवार से दूर कर रही है। अंगद, कुछ कहने से पहले इसे देख ले। पढ़ इसे। मैंने और नवेली ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स तेरे नाम कर दिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस फैमिली चाहिए। अंगद, तुम्हारी फियांसे को हम पसंद नहीं है तो ना से, पर अंगद ऐसे एक्यूजेशंस, ऐसे एलिगेशंस लगाना इज टोटली बेसलेस। इसलिए हम दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। बाय मॉम। आओ ना मिली। कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग। मुझे अपने बेटे और बहू पर पूरा भरोसा है। सिर्फ माँ को ही नहीं, मुझे भी आप दोनों पे पूरा भरोसा है। I didn't expect this from you, Srishti.
इतना झूठ बोलने लगी हो तुम मुझसे? अंगद, मैंने तो पहले ही कहा था अंगद कि लड़की भरोसे के लायक ही नहीं है। सृष्टि, देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हमने तो हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो हमें हमारी फैमिली से दूर कर दिया। अंगद, आप हमारी बात सुनिए। सृष्टि, आज तुम मेरी नजरों में भी गलत हो गई। तुमने मुझे जो धोखा दिया, मेरे प्यार, मेरी दोस्ती का भी मजाक उड़ा दिया, ये सब जानने के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। तुम प्लीज चले जाओ यहां से। अंगद, प्लीज, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सार्थक, हमने अपने सारे रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभाए हैं, लेकिन फिर भी देखो ना, ये कलंक हम पर लग गया। हम नहीं जी पाएंगे इस कलंक के साथ, हम नहीं जी पाएंगे। सृष्टि, ऐसा मत कहना। तुम, हम है ना तुम्हारे साथ, हम मिटाएंगे तुम्हारा ये कलंक। लगता है भगवान भी हमारी मदद करना चाहता है। ये उसी इंस्पेक्टर का फोन है जो हमारे एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हेलो, सॉरी मां, मैंने बहुत हर्ट किया आपको। मैं बात नहीं। भाई, भाभी, आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी, मैंने सृष्टि की इस बात पर एक पल के लिए भी यकीन नहीं किया। I'm so happy, Angad, you said that. जो हुआ सो हुआ, भूल जाए इसे। नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। सुन, बहुत दिनों से तू ऑफिस नहीं आ रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। ले, इस पे अपने सिग्नेचर्स कर दे और आज से रिज्यूम कर दे। नहीं भाई, प्लीज, मैं आज ये सब नहीं करूंगा। रहने देना गौतम, अभी अपसेट है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा तो फिर साइन करा लेना। ठीक है मां, कोई बात नहीं। Excuse me. हेलो सर, एक बुरी खबर है। बड़े साहब ने सार्थक को सब कुछ बता दिया कि उनकी गाड़ी का ब्रेक किसने फेल किया था। ये देखो, ये उस आदमी की तस्वीर है जिसने हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर साहब से कहकर ये तस्वीर मंगवाई हमने। हमें पता चला है कि वो यहीं छुपा हुआ है। फिर तुम्हें ये पता कैसे चला? कॉलेज के कुछ कनेक्शंस, बस उन्हीं के थ्रू पता चला कि वो यहाँ छुपा है। सार्थक, अगर वो आदमी हमारा एक्सीडेंट करवा सकता है, कार के ब्रेक फेल कर सकता है, तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा ना। इसीलिए हमने पुलिस को पहले से ही खबर कर दी। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस आदमी से सच्चाई उगलवाना बहुत जरूरी है। आओ चलो। एक आखिरी सबूत था मेरे खिलाफ। वो आदमी जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे, उसे भी खत्म कर दिया मैंने। अब बस अंगद के सिग्नेचर्स मिल जाए, उसके बाद सब कुछ हमारा। ये क्यों कॉल कर रही है? हेलो, अंगद एक्चुअली में हमारे लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था, जिसे आपने हमसे दूर कर दिया। हम आपसे सीधी तरीके से डील करना चाहते हैं। What do you mean? I mean कि आपको अगर लगता है कि आपका प्लान परफेक्ट था, तो ऐसा है नहीं।
आपको लगा होगा, पर आप ये भूल गए कि वो जो हार्ड डिस्क थी उसे हमने सार्थक के दोस्त से ही रिकवर करवाया था। आपको सच में लगता है कि हमारे पास उसका बैकअप अवेलेबल नहीं है? तो अब दो ही रास्ते हैं, या तो हम अंगद को सारी सच्चाई बता दे, या तो आप वो हार्ड ड्राइव हमसे ले लीजिए और हमें हमारे मनचाहे पैसे दे दीजिए। देखिए, आपसे डील करना हमारे लिए बेटर होगा। अंगद को सच्चाई बताने में हमारा नुकसान ही है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले आपको हम ऑफर कर देते हैं। एक मिनट सृष्टि, देखो तुम वही रहो, मैं आता हूं तुमसे मिलने के लिए। ऑल राइट, आई एम वेटिंग। हमें पता था आप जरूर आएंगे। हार्ड ड्राइव मुझे दे दो। उससे पहले एक अकाउंट नंबर हमने आपको दिया है, उस पर 50 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद बाकी के 50 करोड़ हम चेक से लेंगे। वैसे भी ये पैसे देने के बाद आधी प्रॉपर्टी भी आपको हमारे नाम करनी है। अपने भाई को धोखा दिया, प्रॉपर्टी हासिल किया, कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें आधी दे दूंगा। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। एक बात याद रखना, अंगद को धोखा मैंने दिया है, कंपनी में घोटाले मैंने किए, गाड़ी के ब्रेक फेल मैंने करवाए थे। इनफैक्ट जिस बंदे ने गाड़ी के ब्रेक को फेल किया था उसको मैंने मरवा दिया। सो जस्ट थिंक, तो तुम दोनों को मरवा भी सकता हूं। चुपचाप से 50 करोड़ ट्रांसफर कर रहा हूं, बड़ी रकम है, ले लो। डन। पचास करोड़ तो आ गए हैं हमारे पास, बाकी 50 करोड़ का सृष्टि के नाम का चेक बना दीजिए। मिल गए ना पैसे, अब सबूत मुझे दे दो। अब ये सबूत लेकर भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपका राज बाहर आ चुका है। मतलब? दरअसल हमारे पास उस हार्ड ड्राइव की कोई कॉपी नहीं है। हमने आपसे झूठ बोला, ये नाटक किया ताकि आपकी असलियत हम अंगद के सामने ला सके। अंगद, थैंक यू कि आप हमारे कहने से यहाँ आ गए। अंगद, लड़की झूठ बोल रही है। सच झूठ सब नजर आ गया मुझे। अभी मां को फोन करता हूँ, बताता हूँ आपकी असलियत। भाई, जायदाद में से, पैसे में से और हमारी जिंदगी में से हमेशा के लिए बेदखल कर दे वो। एक मिनट अंगद, ये करने के लिए सोचना भी मत, वरना अपनी मॉम को खो बैठेगा। भाई चिल्ला मत। नवेली डाली, सृष्टि और अंगद को घर ले आ रहा हूं। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरे नाम कर दे, वरना मॉम को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेगा। भाभी, फिर वहां का खनौज भी आई ना, कसम से सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। भाई रुक जा, मैं तो चाहता ही हूं कि सारे रिश्ते खत्म हो जाए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था गौतम, मेरा अपना खून इतना गंदा होगा। अरे मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं आपका बेटा हूं। मां, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने इन पर भरोसा किया। आइए प्रॉपर्टी के पेपर्स करता हूं साइन। अवेली, साइन कर।
दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए मुझे। जी भर के गले मिल। पता नहीं शायद इसके बाद मौका मिले या ना मिले। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सारी दुनिया जानती है कि जायसवाल इंडस्ट्री की एक ही मालकिन है, खुद सुधा जायसवाल। और जब तक ये लेडी बॉस मेरे जिंदगी में रहेगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर मॉम टाटा बाय बाय करेंगी और वहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि अंगद और सृष्टि ने मॉम का मर्डर कर दिया, क्योंकि मॉम नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो। अलविदा मॉम। इतनी भी क्या जल्दी है गौतम बाबू, जरा रुकिए। ये देखिए किसको लाए हैं हम, आपके गुनाहों में आपका साथी। ये वही अकाउंटेंट है जिसके साथ मिलकर आपने करोड़ों के घपले किए और उन घपलों का बयान ये पुलिस के सामने दे चुका है। अब बताइए क्या करेंगे आप? क्या हुआ सार्थक भैया? हमको बिजनेस करना सिखा रहे हो नवेली। एक और ब्रेकिंग न्यूज, सार्थक ने एक मासूम से अकाउंटेंट को गोली मार दिया चंद पैसों के लिए। सबसे पहले दुनिया से जाएंगी मेरी मां। ओके ओके भाई, जहां वहीं रुक जाओ। मिस्टर गौतम, यू आर अंडर अरेस्ट। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर। ले जाओ इसे। सार्थक, तुम्हारे हाथ पर बहुत गहरी चोट आई है। हम सार्थक को डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। हाँ बेटा। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। सुधा जी, मानते हैं कि जो हुआ वो
नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बीती बातों को याद करके भी तो कोई फायदा नहीं है। वैसे सार्थक और असिस्टी कहाँ रह गए? वो डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा देर हो गई। मैं देख के आता हूँ। सृष्टि, सार्थक, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने इतना किया मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि प्यार का दूसरा नाम त्याग, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं। हेलो, हाँ बेटा बोलो। फाइनली आपकी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा, रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिले थी ना पता मुझे और तू जानता हर एक राह। साथ तू मिलकर बनाए सपनों का एक जहां, पढ़ लेना तू बातें ये सारी मेरा दिल कह रहा। तू मेरे चेहरे का हंसना, हर घड़ी मेरे साथ रहना, बन गई अब तू जीने की वजह। मुस्कुराना है ये तेरा, जान ले ले एक पल में मेरी, कातिलाना तेरी हर अदा। मम्मा,